बोल रहे हैं? सर ये किस उपलक्ष्य में रखा गया कार्यक्रम जानना चाहेंगे? समाज सेवा मंच और बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की तरफ से आज ये प्रोग्राम रखा गया। दिल्ली में जो घटना हुई है उसकी हम सब देशवासियों को बहुत निंदा है, बहुत तकलीफ है। जिन माँ के बच्चे ख़त्म हुए हैं, शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को जो हिंदू मुस्लिम एकता में दरार डालने की सारी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम सारे लोग मिलकर ये दरार कभी भी नहीं डालने देंगे। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे। कभी भी दो चार लोग अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। गलत लोगों को कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना नहीं देना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी से हमारी अपील है कि बरेली में हम लोगों ने शांति के लिए ये प्रयास किया है, सारे शहरों में ये प्रयास किया जाएगा कि हम लोग सब मिलजुल कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट रुक जाना, एक मिनट सर। सर ये कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में रखा गया सर? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं राजेंद्र प्रसाद झिल्डियाल हूँ, डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और समाज सेवा मंच का संरक्षक। आज मेरे तमाम समाज सेवा मंच के, डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता आज हमारे साथ में हैं और इस शहर के नन्हे मुन्ने बच्चे आज हमारे साथ खड़े हैं और ये सब लोगों ने आज इस बात की कसम ली है कि हमारे शहर का इतिहास, हमारे शहर का आपसी तालमेल, हमारे शहर की हिंदू मुस्लिम एकता, हमारे शहर की गंगा जमनी तहजीब सदा कायम थी, कायम है और सदा जिंदगी रहते तक हम सब लोगों की और ऊपर वाले से हमारी सबसे यही गुजारिश है कि हमेशा ये कायम रहे। हम लोग सब ये दिल्ली की घटना से बहुत ज़्यादा उद्वेलित हैं, इस घटना से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हम तमाम लोगों के दिलों में उन तमाम लोगों के प्रति बहुत गहरी सहानुभूति है जिन लोगों ने अपनी जानें दी हैं और आपसी इत्तफाक ना होने के कारण से ये जो जाने गई हैं इनका हम यहाँ पर कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन तमाम लोगों की जिन्होंने इस तमाम घटना को अंजाम दिया, हम आज देश के अपने प्रधानमंत्री से, अपने राष्ट्र के सर्वोच्च लोगों से इस बात की अपील करते हैं कि उन तमाम लोगों को जिन्होंने इन घटनाओं को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई हो ताकि पूरे हिंदुस्तान में लोगों को एक मैसेज जाए कि हमारी हिंदू मुस्लिम एकता को जो बिगाड़ेगा वो नस्से नाबूद हो जाएगा और हम इस शहर की गंगा जमनी तहजीब को हमेशा कायम रखे हुए हैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये शहर बास बरेली है, ये शहर अमन बरेली है, ये शहर बास बरेली है, ये शहर अमन बरेली है, तेरा मेरा क्या होता है, ये सांझा शहर बरेली है, हमारा ये सांझा शहर है। हम सब लोग मिलकर के इस शहर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और ये यहाँ पर जहाँ नाथ नगरी है, ये आला हजरत की नगरी है, ये नाथ की नगरी है। हमें इन तमाम चीज़ों को अपने दिलों के अंदर बैठाल के रखना चाहिए और बच्चों के बीच में से ये मैसेज घर घर तक पहुँचना चाहिए कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, शांति की अपील करते हैं, कोई अफवाहों से दूर रहें। और कोई बात, ये मैसेज आजकल जो व्हाट्सएप पे इधर से उधर हो रहे हैं, इन व्हाट्सएप पे लगाम लगाई जाए और जो भी इस तरह के व्हाट्सएप करते हैं वो देश के साथ गद्दारी करते हुए मिलेंगे, ध्यान रखना। ऐसे व्हाट्सएप जिनसे कि इतिहाद बिगड़ रहा हो, जिनसे सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा हो, ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज उसको रोकना चाहिए और हमें अपने बड़ों को भी बताना चाहिए कोई गलत कर रहे हो और आपसी मेलजोल से रह करके हम प्यार से रहें और अपने शहर को बहुत ऊपर की तरफ लेके जाएं। क्योंकि मेरे शहर में तमाम घटनाओं का कहीं कोई जिक्र मेरे शहर ने नहीं किया। मेरा शहर बहुत अच्छा है, मेरा शहर बहुत प्यारा है और दुनिया में मैं कहता हूँ मेरे शहर से बेहतर कोई दुनिया में शहर ही।